ना ना रुको 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 नहीं, अरे फिर आप जैसे लोग इल्जाम लगाओगे, ये क्या कुछ काम वगैरह किए हैं क्या? काम की जरूरत ही कौन है? अच्छा कोई जरूरत नहीं है काम की, तो फिर काम के बिना कैसे? खेत में काम करना हो माना कोई जरूरत को नहीं, वो MLA होना चाहिए। क्यों? इस क्या दे रखा है ऐसा कुछ? माने कुछ ही ना दो, मारो भाईचारो है। अच्छा इसने वोट जाने तो काम करवाते हैं क्या? ना कुछ नहीं करवाना हमने। अच्छा बट वोट इसने देना है। लोग नाराज हैं कि कुलदीप तो मिलते नहीं आते, गाँव में नहीं आते, गाँव में आते हम दूर से राती हो जाएंगे। अच्छा नाव से राती? हाँ जी कौन से वोट तो बने संपत सिंह के? हाँ 500 वोट। हाँ वो नहीं बने वोट बने बने बने। और जेपी आई तो? जेपी घना कौन जेपी संपत आगी रही। अच्छा और युवा विकास की तो सोच रहे हैं भी, अब सरकार में भागीदारी हुई है तो काम होंगे, विकास होगा, इसी हिसाब से वोट देंगे कुलदीप बिश्नोई को। जेपी संपत सिंह? हाँ संपत सिंह संपत आज नाको लगाई जगत है। अच्छा संपत नाको लगा सकते हैं? हाँ संपत के वोट हैं गांव में? क्यों आई मान लो मैं डॉक्टर के बने। अच्छा ठीक है, अब की बार कुलदीप बिश्नोई को दोबारा विधायक बनाओगे या और? नहीं साहब मेरी तरफ से नो है। अच्छा ना ना रुको 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 नहीं, अरे फिर आप जैसे लोग इल्जाम लगाओगे, ये क्या? नमस्कार साथियों, गामराम में आप सबका स्वागत है। और अभी हम चुनावी यात्रा के दौरान जो अभी आदमपुर विधानसभा में उपचुनाव की स्थिति में जो अभी आदमपुर विधानसभा आई है उनके गांव-गांव की हम यात्रा कर रहे हैं, लोगों का क्या रिस्पॉन्स है, अब की बार किस नाम से लोग वोट देने वाले हैं? विकास के नाम पे देंगे, चेहरे के नाम पे देंगे या पार्टी के नाम पे लोग अब की बार वोट करने वाले हैं? गांव भाणा में हम पहुंचे हुए हैं। गौरव पटाप पीछे मेरे देख रहे हो, गांव भाणा का है और ये आदमपुर विधानसभा का फतेहबाद की तरफ लास्ट गांव है। हम यहां जो गांव का पार्क है उसके सामने खड़े हैं, काफ़ी सारे युवा बुजुर्ग यहाँ लोग हैं। सबसे प्रतिक्रिया जानेंगे कि अब की बार विधायक कौन होगा, पुराने पर विश्वास करेंगे या फिर नया चुना जाएगा। हाँ जी राम राम ताऊ जी। राम 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 राम। अच्छा क्या कुलदीप बिश्नोई को दोबारा विधायक बनाओगे या कोई नया लेके आओगे? बनाओ हाँ कुलदीप बिश्नोई को। ओ। क्यों कुलदीप बिश्नोई को? क्यों? क्यों मारो आदमी है वो। अच्छा हाँ तो आदमी काम करते हैं क्या? और काम ना करो बोला। अच्छा वाह वाह, काम ना करे तो भी हाँ वोट भी नहीं तो कुलदीप के नाम पे वोट देते हो, भजनलाल जी के नाम पे वोट देते हो? भजनलाल को मान लो बंग मान लो। अच्छा वोट भी नहीं दिया, काम करो ना करो। अच्छा काम तो वाह वाह। हाँ जी राम राम जी। राम राम। क्या आप किस हिसाब से देख रहे हो अब जो उपचुनाव की स्थिति में आदमपुर विधानसभा आई है, तो पुराने वाले पे विश्वास रखोगे या नया को चुनोगे? बाणोगाम तो पुराना पर विश्वास था, पूरा बाणोगाम कुलदीप बिश्नोई पूरा बाणोगाम। क्यों कुलदीप बिश्नोई? क्यों कुछ काम वगैरह किए हैं? काम की जरूरत ही कौन? अच्छा कोई जरूरत नहीं है काम की, तो फिर काम के बिना कैसे? खेत में काम करना हो माना कोई जरूरत को नहीं, वो MLA होना चाहिए बस। अच्छा कह रहे हैं संपत सिंह जेपी टक्कर देंगे बड़ा? कोई बात नहीं, चुनाव लड़ने को सबको अधिकार है। अच्छा कोई दिक्कत को नहीं। हाँ संपत सिंह आओ, चौधरी भूपेंद्र सिंह उड़ाओ, दीपेंद्र सिंह उड़ाओ, कोई आओ। अच्छा कोई दिक्कत नहीं। तो क्या आप वोट वोट दोगे या बन जाएगी बात? वोट नहीं बनी, वोट बना लो भाई साहब का, वोट बनाने रहे हो? अच्छा वोट हुई बनी, वोट कौन बना? बनी बात है, बिल्कुल है। आम आदमी पार्टी वाले की बार मजबूत? कोई बात नहीं, वो भी मजबूत है, पंजाब में तो मजबूत है। अच्छा यहाँ हरियाणा में? हरियाणा में मुझे तो नहीं लगता, बाकी हम क्या कह सकते। अच्छा अच्छा आपके हिसाब से तो बिल्कुल ही नहीं है कुलदीप बिश्नोई? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा तो किस नाम से दे रहे हैं वोट गांव वाले? कुलदीप बिश्नोई के नाम से, भजनलाल जी के नाम से? राम चौधरी भजनलाल को चला है। अच्छा उन्हीं के नाम से? बिल्कुल। भव्य को अगर टिकट दी गई तो? टिकट मांगे अगर ना चाहे कि नहीं दे दियो, चाहे 10 मान दे दियो बस। अच्छा कोई दिक्कत बोल जितना टिकट को क्या? अच्छा मांगे घरों कोई होना चाहिए। ठीक है। हाँ जी राम राम जी। राम राम। आप किस प्रकार से देख रहे हो अब की बार जो लोग हैं वो पुराने वाले पे विश्वास रखेंगे या गढ़ टूट जाएगा अब की बार? गढ़ नहीं टूटेगा। गढ़ नहीं टूटेगा? ना टूटने नहीं दोगे? ना। क्यों इस क्या दे रखा है ऐसा कुछ? माने कुछ ही ना दो, मारो भाईचारो है। अच्छा इसने वोट जाने तो काम करवाते हैं क्या? ना कुछ नहीं करवाना हमने। अच्छा बट वोट इसने देना है। लोग नाराज हैं कि कुलदीप तो मिलते नहीं आते, नहीं गांव में नहीं आते, गांव में आते। हाँ हम दूर से राती हो जाएंगे। अच्छा नाव से राती हो जाएंगे? हाँ वोट उसने देना, मतलब पक्के भगत हो? पक्के भगत बिल्कुल। तो कोई संपत सिंह इस एरिया में पहले भी, क्योंकि भट्टू हल्के में आता था पहले गांव, पहले हल्के में दिए संपत सिंह जीतते उसने दिए करते वोट। अच्छा
तो फिर हम यो हल्का चुलाएंगे तो हम इन्हें देने लगे। तो संपत सिंह का आधार है क्या? ना बढ़ेंगे संपत सिंह की? नहीं बढ़ेगा। हाँ जी, कौन से वोट तो बने हैं संपत सिंह के? हाँ 500 वोट। हाँ वो नहीं बने, वो बने बने बने। और जेपी आई तो? जेपी घना कौन, जेपी और संपत आगे रही। अच्छा, तो आपके गांव में भारी कौन रहेगा? भारी तो वही कुलदीप ही। कुलदीप? हाँ। कुलदीप के पीछे मतलब पूरा गांव लगा हुआ है, क्यों? कन्यांगु है, कन्यांगु है। और मंडी की सुधार कर कई करोड़ रुपया ले लिया, बन तो ठगी पगी में लिया तो दे। अच्छा, अच्छा। अभी काम कर ही। हाँ। पहले नया करियो तो माफी मांग ली। अच्छा, काम कर ही लवेगो है। आम आदमी पार्टी का भी जिक्र कर रहे हैं? नहीं, जिक्र तो करे, ठीक है, अच्छे आम आदमी। अच्छा आदमी, अच्छा आम आदमी। केजरीवाल बड़ी आदमी है? केजरीवाल बड़ी आदमी, काम दिल्ली में पंजाब में ठीक किया है? करे करे ठीक, इतना ही नहीं थी हरियाणा में तो ठीक करी। अच्छा, आदमी तो बढ़िया है बड़ा। तो फिर उनकी पार्टी आ रही है, वोट नहीं दोगे उनको? पार्टी आई आज जी ना कि आई वोट भी नहीं आ सके उनकी, गोयों के नेम थोड़ा ही है। अच्छा अच्छा अच्छा, आई अच्छा आदमी है नेम को, मतलब गढ़ बना रहेगा? गढ़ तो भाई बना में चेंज हुई है। अच्छा अच्छा, चलो सबसे बातचीत कर रहे हैं और भी है। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी, आप किस प्रकार से देख रहे हो? हम तो कुलदीप को ही देख रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई, तो क्या सब ने मन में ऐसे बना लिया कि कुलदीप बिश्नोई या फिर कोई चौधरी बदन लाल जी के हिसाब किताब में चला कुलदीप के हिसाब किताब में? अच्छा अच्छा, हाँ काम भी करा भी है। अच्छा, अभी मंडी काम पड़े हमारे, और तो कोई इंसार पड़ा नहीं, कोई फतेवाद पड़ा नहीं, यह काम आई दिया। अच्छा अच्छा, हाँ जी राम राम जी। आप कैसे देख रहे हो कि कुलदीप बिश्नोई जो और गांव वाले कह रहे हैं बने रहेगा ये गड्ढ या टूट जाएगा अब की बार? हमारे तो कई पीढ़ी गई थी अमदागी गई थी। हाँ यही, हाँ तो वोट बाप ने जद गई गई। अच्छा, पहले भजनलाल के नाम से देते थे? सब भजनलाल ही पार्टी का नाम हुई। अच्छा अच्छा, कांग्रेस बीजेपी के नाम से? नहीं, अभी मान लो भजनलाल के नाम हुई, बस भजनलाल है। अच्छा, हाँ पार्टी पहला चला पुरा टाइम में, कई पीढ़ी गई वोट पलटे ही कौन और का गिंगा। अच्छा अच्छा, सब बता ही गई दिया कांग्रेस का, खैर अभी है किसी पार्टी में रहो देना आंगा। लोग कह रहे हैं जेपी आ जाए ना उधर के अंबाल मंदिर, जेपी में बैठ जाए, बिना जेपी में बैठ जाए ऊं है वो के जो तो खड़े हो क्यों ही तू टेक जा। अच्छा, जेपी खड़े हो वो चाहे लारे अभी हो सांसद खड़े है यहां सारो यही गए, बोले मोदी ने वोट दिया मान तो दिए कौन, ये काम ही कौन करे यहां पर। अच्छा अच्छा, ये वोट तो मान लो इसी का ही देना है, किसी पार्टी में आवे, पार्टी किसी बना। गांव भाणा में पहुंचे हुए हैं और भाणा के जो बड़े बुजुर्ग हैं अपने जीवन का अनुभव है, और एक यहां अलग बात देखने को मिली कि मुद्दा सिर्फ चेहरा है, मुद्दा सिर्फ भजनलाल परिवार है कि भजनलाल परिवार को वोट देने हैं, उनके परिवार से चाहे कुलदीप आए, चाहे भव्य आए, चाहे जसमा उनकी माँ आए, तो इस प्रकार नहीं खड़िया करे, दूसरा नहीं खड़िया करे। आपका नाम हूँ? अच्छा, बिस्काई वोट जा अंग नाम हूँ। अच्छा अच्छा, मतलब आपको कुलदीप पे विश्वास है? हाँ आ थोड़ी है भैया, हमारा बीज है तो हमारी पार्टी, आप और आप कोई थोड़ो जे बहु है जे और जे एवं के जे ही ना खड़ियो करियो है। अच्छा, बीस नहीं वोट जा। अच्छा अच्छा ठीक है, और असूल है तो सभी से बातचीत कर रहे हैं और भी बात कर। हाँ राम राम भाई। राम राम जी, आप किस प्रकार से देख रहे हो गांव? एक युवा है, केवल परंपरागत जो वोट बड़े बुजुर्ग डालते रहे वही लाइन पे जाएगा या सोच विचार के विकास के नाम पे वोट होंगे? लगभग तो परंपरागत जो पीछे से चले आ रहे हैं ना उसी हिसाब से वोट देंगे। अच्छा, और युवा विकास की तो सोच रहे हैं भी, अब सरकार में भागीदारी हुई है तो भागीदारी हुई है तो काम होंगे, विकास होगा, इसी हिसाब से वोट देंगे कुलदीप बिश्नोई को। ठीक है ठीक है। हाँ जी भाई, आपका क्या मानना है, क्या किस प्रकार से देख रहे हो? मेरा मानना यही कि कुलदीप बिश्नोई 100% जीतेंगे। अच्छा, अच्छे मार्जिन से जीतेंगे, हमारा पारिवारिक रिश्ता है उनके साथ ही सादमपुर हलके का। अच्छा अच्छा, सर सभी को अधिकार है चुनाव लड़ने का, कांग्रेस बीजेपी आम आदमी पार्टी, डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं सभी को अधिकार है, लेकिन ये जो हल्का है ना इसके क्यों लोग लगे हुए हैं कुलदीप बिश्नोई के? अपना परिवार है, परिवार को कौन छोड़ सकता है, पारिवारिक लगा। विकास कितना हुआ है? विकास चौधरी बंदलाल जी के टाइम में इस आदमपुर हल्के का जितना विकास हुआ पूरे हिंदुस्तान में किसी हल्के का नहीं हुआ। अच्छा, इस बात को लेके हम वोट दे रहे हैं। मतलब जो भजनलाल जी ने काम किए थे वो अभी तक काम आ रहे हैं बिश्नोई परिवार को। हाँ जी बिल्कुल, वो तो आगे कई पीढ़ियों तक चलते रहेंगे, याद किया जाएगा उनको इस काम के लिए। ठीक है। हाँ जी भाई साहब, आप किस प्रकार से देख रहे हो? हम देख रहे हैं जी 2700 वोट पोल होने लगभग गांव में। अच्छा, उनमें से 2300-2400 वोट कुलदीप बिश्नोई को ही जाएंगे 2700 में से। हाँ जी,
मतलब हमेशा से गढ़ है क्या ये गांव कुलदीप बिश्नोई का? ये लगभग बंदलाल के टाइम से ही उसी टाइम का गढ़ बना हुआ है, उसी टाइम से ही रहेगा। अच्छा, उन्होंने ज्यादा काम करवाई है? हाँ जी, 1996 तक लगभग एरिया में फुल काम हुए जी। ठीक है, और भी गांव के जो लोग हैं वो लगातार आ रहे हैं, सबसे बातचीत करेंगे। एक बार रुकिए आप कल। हाँ जी, राम राम अंकल जी। राम राम। हम आए हुए हैं गांव-गांव की यात्रा कर रहे हैं, लोगों का मूड जानने के लिए भी, समस्याएं क्या है गांव में, विकास हुआ नहीं हुआ, अब की बार क्या फिर पुराने जो विधायक वही रहेंगे या कोई नए लाए जाएंगे? वही आएंगे विधायक कुलदीप बिश्नोई। अच्छा, क्यों? क्यों, काम किया है उन्होंने? काम किया है। हाँ, काम किया है। अच्छा, काम किया, काम की वजह से आते हैं। लोग कह रहे हैं अभी मिलने नहीं आते, नाराज है लोग कई सारे। लोगों को अभी आपके मन की बात है, ठीक है। कुलदीप बिश्नोई आते नहीं गांव में? आते हैं क्या? आते हैं। अच्छा, गांव के लोगों से मिलने आते हैं? आते हैं। तो सभी प्रकार की मिली जुली प्रतिक्रिया है कि हाँ, एक बात तो यहाँ है, आप सारे जो देखने वाले लोग हैं, हो सकता है कमेंट्स में आप मुझे ये कहो कि भाई आप तो स्पॉन्सर्ड हो, कुलदीप बिश्नोई का गीत गाते घूम रहे हो, कह सकते हो, क्योंकि यहाँ जो मैंने 50 लोगों से बातचीत की है, कोई एक सिंगल आदमी मिला नहीं है। हालांकि एक गांव का चौक है, मैं और गांव के चौक में भी कहीं जाएंगे और वहां जाके भी हम बात करेंगे कि भाई क्या हालचाल है। हाँ जी, राम राम जी। राम राम सर। आप जागरूक पढ़े लिखे लग रहे हो, किस हिसाब से आदमपुर का जो अभी उपचुनाव होना है ये होने वाला है? आदमपुर का चुनाव एक तरफा ही होना है, चौधरी कुलदीप बिश्नोई यहाँ से विधायक बनेंगे दोबारा। अच्छा, अच्छे विकास कार्य करवा रहे हैं, लगभग लगभग हर समय हल्के में रहते हैं, 4-5-6-3 दिन तो अभी भी हल्कों में ही है, और गांव के लोगों की समस्याएं सुनते हैं। हमारे गांव में जितना डेवलपमेंट हुआ है उनके चौधरी बदनलाल जी के शासनकाल में हुआ है। जेपी का नाम चल रहा है, संपत सिंह का नाम चल रहा है, कौन नहीं, एक बात माने, मजबूत कौन कैंडिडेट है कुलदीप बिश्नोई के सामने? कुलदीप बिश्नोई के सामने कोई मजबूत नहीं है जी। नहीं है? नहीं जी, हमारे गांव में तो क्या 100-150 वोट इनके आते हैं, चाहे जेपी जयप्रकाश के हैं, चाहे वो सिंह को हैं। पहले आपके गांव में संपत सिंह के काफी वोट थे? नहीं नहीं, ये लगभग लास्ट जब बट्टू हल्का था, बट्टू हल्का था उस टाइम भी लास्ट 86 वोट आए थे। 86 वोट आए थे किसके? संपत सिंह को। अच्छा, कुल वोटों में से? हाँ जी, मतलब उस टाइम मान लेते हैं कि 1500 वोट लास्ट दो इलेक्शन था। अच्छा, उसमें कुलवीर बेनीवाल विधायक बने थे, उसमें 86 वोट आए थे। तो यही रिपोर्ट, ग्राउंड रिपोर्ट जो है हम अब तक पहुंचा रहे हैं। गांव के किसी और चौक में भी जाएंगे, वहां से भी हम बातचीत करेंगे और वो बात भी हम आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। गांव बहना के दूसरे चौक में है, पहले चौक में हमने बुजुर्गों से बातचीत की थी, दूसरा जो चौक है वहाँ है, बुजुर्ग भी बैठे हैं, युवा भी हैं, इनके मन की भी बात जानते हैं। हाँ, राम राम अंकल जी। राम राम। अच्छा, अभी चुनाव होंगे आदमपुर विधानसभा के, तो कुलदीप बिश्नोई दोबारा विधायक बनेंगे या कोई नया आएगा? बड़के खरीदार है। अच्छा, और कुलदीप जी? और क्यों, तो कुलदीप के पीछे क्यों पड़े हुए हो? क्यों के हदम हुई है वो तो। अच्छा, भी वो बोर है और बोर है। अच्छा अच्छा, काम किया है? काम कर ही। अच्छा, पीछे किया है काम? कर ही और है पीछे। अच्छा। हाँ जी, अच्छा आप क्या कह रहे हो, अब की बार कुलदीप बिश्नोई दोबारा बन जाएंगे या कोई और नया आके टक्कर देगा? कोई नहीं, कोई है ही कौन टक्कर लेने कोई। अच्छा, जेपी संपत सिंह? संपत सिंह संपत आज नाक लगाए जगत। अच्छा, संपत नाक लगा सकते हैं? संपत के वोट हैं गांव में? क्यों, आई मान लो मैं डॉक के बने। अच्छा, बिल्कुल, मतलब संपत सिंह अगर यहां से आते हैं तो कुलदीप बिश्नोई को टक्कर देंगे? पक्की? पक्की। वाह वाह। अच्छा, संपत सिंह और जेपी का नाम चल रहा है, जेपी और संपत सिंह में कौन मजबूत है दोनों में से? अगर नहीं, अगर कांग्रेस पार्टी से जेपी आते हैं तो मजबूत है या संपत सिंह आते तो मजबूत रहेंगे? संपत रहे मजबूत। संपत क्या? संपत रही। तो दूसरे पक्ष संपत सिंह का भी नाम की बात हो रही है, कह रहे हैं संपत सिंह अगर आए तो कुलदीप बिश्नोई के गढ़ में चुनौती दी जा सकती है। हाँ जी, राम राम जी। राम राम। अच्छा, आप किस प्रकार से देख रहे हो आने वाला जो अभी उपचुनाव है, तो गढ़ ये टूटेगा कि दोबारा से ही कुलदीप बिश्नोई विधायक बनेंगे? दोबारा कुलदीप बिश्नोई बने। दोबारा कुलदीप बिश्नोई? क्यों कुलदीप बिश्नोई क्यों बनेंगे? क्योंकि एक तो सरकार में गया ये। अच्छा, एक बात, बीजेपी में गए? बीजेपी सरकार में? बीजेपी, ठीक है, हर बार इलेक्शन सरकार का ही होता है। क्यों, एलनाबाद तो नहीं हुआ था? एलनाबाद तो उनका वो जैसे एलनाबाद उनका गढ़ था, उसी प्रकार कुलदीप का ये गढ़ है। अच्छा, इसीलिए तो एक बात है कि जो जेपी और संपत सिंह का नाम चल रहा है तो एक रियल बात है कि मुकाबला होगा क्या? ना, मुकाबला नहीं होगा। नहीं होगा? नहीं होगा। जेपी और संपत सिंह में कौन कैंडिडेट मजबूत रहेगा? संपत सिंह ठीक है,
मतलब संपत सिंह की ज्यादा पकड़ है। अगर चुनाव लगेगा तो संपत सिंह लगा सकते हैं। लगाने वाली बात को नहीं हुआ, अंतर कम हो जी। अच्छा, सोनाली फोगाट की मृत्यु का इसमें असर पड़ेगा चुनाव पर? कोई के फर्क पड़ा, सोनाली फोगाट तो वर्कर ही हुआ बीजेपी की, कतो की फर्क पड़ी, कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा अच्छा, हाँ जी, राम राम जी, आप किस हिसाब से देख रहे हैं? कुलदीप का ही वोट दिया। कुलदीप को? हाँ बिल्कुल। अच्छा, मतलब सारे बाना गांव में कुलदीप 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 तो कुलदीप तो हाँ जी, एक ही तरफा गांव है। अच्छा, एक तरफ को वो बाव आता कोई है, भारत कोई बिश्नोई है। अच्छा, बस कोई कहानी है। तो पूरे गांव की ही रिपोर्ट है भाई, और अगर आप में से किसी को संदेह हो तो फिर आप आके बाना गांव में राउंड भी लगा सकते हो भाई। आपको मेरी रिपोर्टिंग पे बातचीत पे कहीं संदेह हो तो। हाँ राम राम भाई। राम राम भाई, कैसे हो? ठीक हो साहब? क्या काम करते हो? काम जी खेती बाड़ी है। अच्छा है, ठीक है। एक गाय अपने पास से 3 घंटे हरा लाता हूँ। वाह वाह, मतलब पशुपालन करते हो? हाँ पशुपालन। ठीक है, अब की बार कुलदीप बिश्नोई को दोबारा विधायक बनाओगे या? और नहीं साहब, मेरी तरफ से नो है। अच्छा, नहीं दोगे वोट? हाँ क्यों? मैं मेरे गांव के मतलब सरपंच भी खड़ा होना, उसको भी नहीं दूंगा आपकी बात। क्यों, क्या क्यों नाराज क्यों हो? हैं क्यों नाराज हो? हैं तो कहते हैं बोले हम उस गली में से पानी निकाल दिया, उस गली में से ये निकाल दिया, वो निकाल दिया। अच्छा हैं, काट दीजिए। अच्छा मतलब तो फिर कौन जीतेगा, किसको वोट दोगे? कौन जीतेगा, संपत सिंह के जेपी? देखो मेरी बात सुनो, संपत सिंह से जेपी अंकल है जो वो ना, अच्छा कहते तेलुराम, तेलुराम वो तेलुराम क्या उसका नाम, कहाँ से? इसार से, वैसे है भट्टू से। संपत सिंह? संपत सिंह तो भट्टू से है। हाँ है। अच्छा, उनके चाचा है ना जो वो बोला रेलुराम की रेल चलेगी बिना पानी तेल चलेगी। अच्छा है, और वो उनका मैं नाम थोड़ा सा माइंड से, चलो कोई नहीं आप याद करो। तो यहाँ भाणा में पहुंचे हुए थे और लगभग रिपोर्ट यही है, अभी हमारी तरफ से तो एक तरफा गांव है कुलदीप बिश्नोई के पक्ष में। अभी अभी घास लेके खेत से जो चारा है पशुओं का वो लेके आए हैं। हाँ जी राम राम जी। राम राम जी। राम राम, किस हिसाब से देख रहे हो आदमपुर उपचुनाव को? दोबारा वही बनाओगे, नया चुनोगे? इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? आपका वोट है? हाँ जी वोट है। किसके कहने से वोट देते हो? अपनी मर्जी से? नहीं जी, मर्जी से होता तो विकास के नाम से मिलेंगे वोट, पार्टी के नाम से होगा वोट, या किसी नाम पे वोट दो? मैं नाम नहीं पूछ रहा किसको विकास के नाम पे। विकास हुआ है पिछले विधायक ने किया है? पीछे विधायक विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? हमारे गांव में तो मेरे को कहीं विकास दिखता नहीं है। विकास हुआ नहीं? नहीं हुआ। मतलब आपकी नजर ये है कि हम विकास के नाम पे देंगे तो आम आदमी पार्टी कह रही है दिल्ली में हमने बड़ा विकास किया। आम आदमी पार्टी कोई जाने को नहीं है। तो फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया था पिछले सालों में विकास? वो राजनीतिक बातें हम नहीं बता सकते, गहराई तक नहीं जा सकते हम। अच्छा नहीं, विकास पुरुष पूछ रहा हूँ, पीछे जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का 10 साल रहा फिर था। वो राजनीति की बात आ जाएगी नहीं, अगर किसी एक नेता के नाम से हम किसी का जिक्र करेंगे तो, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे खट्टर साहब हो, चाहे कुलदीप बिश्नोई हो। तो एक आम आदमी को विकास नहीं चाहिए क्या, काम नहीं चाहिए क्या? हमको तो काम मिल रहा है, हम क्या बताएं, हमको तो काम मिल रहा है, काम मिला हुआ है। जान जी ये मिल रहा है, नहीं काम है, बस ये काम है। बस मतलब अभी जो विधायक थे अभी सरकार से खुश नहीं हो आप? अभी कहने का भाव तो यही है। तो विधायक तो विपक्ष में थे, काम होता कैसे? अब पक्ष में आ रही है पार्टी, सरकार शायद होगा, शायद अब हो जाएगा। हाँ तो उन्हें विकास कार्य करवाने के लिए वो भाजपा में आए होंगे। अच्छा अच्छा, हाँ जी। तो मतलब उनको सपोर्ट करोगे आप फिर? सपोर्ट की तो आगे देख के जाएगा, टाइम बताएंगे। ठीक है, बात यही है कि गांव के जो लोग है ना सोचते ज्यादा है, बात कम करते हैं। राम राम जी। राम राम साहब, क्या हाल चाल है? ठीक हो? कहाँ से आए हो? गाँव से। गाँव से आए हो, तो किस हिसाब से देख रहे हो उपचुनाव में अब की बार, क्या हाल चाल रहने वाला है? कुलदीप जीते। कुलदीप जीतेंगे? अच्छा, क्यों जीतेंगे कुलदीप? अभी पार्टी में गए, काम है सरकार में। सरकार में गए, सरकार में काम, बड़ी अच्छी बात की थोड़े से शब्दों में कि भाई अब की बार सरकार में आए हैं और सरकार से फिर विकास की उम्मीद है। तो गांव भाणा में थे, सबसे बातचीत की, सभी की प्रतिक्रिया हमने आप तक पहुंचाई। अब आप कमेंट्स कीजिए, अगर आपको लगे कि मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछने रह गए हैं, मुझे ये क्वेश्चन और पूछने चाहिए थे, वो आप कमेंट कीजिए, अगले बार किसी और गांव की जब यात्रा करेंगे तब मैं वो सारे क्वेश्चन भी पूछूंगा। धन्यवाद।